Hello students, welcome back to you all on a YouTube channel Tech Computer Education, and in this lecture we are going to learn about the software. So before starting the software, we are going to discuss about some basic concepts. And in the basic concept, a computer has two main components, that is a software and hardware. And software and hardware are both are interrelated to each other. दोनों ही आपस में एक दूसरे से interrelated होते हैं. If we have a software but not hardware, अगर हमारे पास software है hardware नहीं है then उसका कोई use नहीं है. And अगर हमारे पास hardware है but software नहीं है तो उसका भी कोई use नहीं है. So these two things are interrelated with each other. That's why these two are the basic components of a computer system. हमारे computer system के ये दो basic components होते हैं. Clear? And अब अगर हार्डवेयर की बात करें, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज अ हार्डवेयर. फिजिकल कंपोनेंट से मीन्स एनीथिंग दैट यू कैन टच, जो आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, वो सभी हार्डवेयर में आता है. फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसको टच कर सकता हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक हार्डवेयर है. इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है जिसे हम नॉर्मली टच कर सकते हैं, तो वो सभी हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं. वो सभी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. वहीं पर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. क्लियर? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं. और अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर के अलावा कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट बचा जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, यस इट इज अवेलेबल हियर बट वी आर अनेबल टू टच इट, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, तो वो सभी कंपोनेंट्स, सॉरी हम उसको एग्जैक्टली कंपोनेंट्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि जब कोई चीज विजिबल नहीं है तो हम उसको कंपोनेंट्स भी नहीं कह सकते. देन जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, देन एग्जाम्पल में एमएस ऑफिस, हमें अपने कंप्यूटर के अंदर शो होता है कि एमएस ऑफिस है, पेंट है, हमें कंप्यूटर के अंदर शो होता है कि पेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, बट क्या हम उसे टच कर सकते हैं, नहीं, हम उसे टच नहीं कर सकते. सो ये एग्जाम्पल हो गया सॉफ्टवेयर का. अगर हम हार्डवेयर की बात करें देन हार्डवेयर के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं देन सिंपल कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, एनीथिंग दैट यू कैन टच, वो सभी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो सभी किसके अंदर आती है, हार्डवेयर के अंदर आते हैं. जिन्हें आप टच नहीं कर सकते वो सभी किसके अंदर आती है, सॉफ्टवेयर के अंदर आती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. यहां पर ओके, नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? सेट ऑफ और अगर हम इसको और ज्यादा अगर डीप में जाते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, यहां पर आप इंस्ट्रक्शन की जगह लिख सकते हैं प्रोग्राम्स. क्लियर? सेट ऑफ प्रोग्राम्स. Then, अगर हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? प्रोग्राम्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम. काफी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को अगर हमने एक जगह एक कंबाइंड फॉर्म में बुला दिया देन वो गए हमारे सॉफ्टवेयर. देन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कंप्यूटर को आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर का जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उन सभी का एक ग्रुप जिसे कि हमने प्रोग्राम बोल दिया, एंड इन्हीं प्रोग्राम्स को बोला जाता है सॉफ्टवेयर. क्लियर? मींस आप जो भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सॉफ्टवेयर देखते हैं वो सभी कुछ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक कोडिंग लिखी हुई है, वो कोडिंग आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकती है, लाइक एस सी, सी प्लस प्लस एंड सी शार्प आप कह सकते हैं, जावा एक्सेट्रा, बहुत सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, और वैसे किसी के अंदर भी वो प्रोग्राम लिखा हुआ हो सकता है. क्लियर? तो अगर हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करें
अगर हम सॉफ्टवेयर को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करने के काम में आते हैं, यूज टू रन हार्डवेयर. क्लियर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्किंग के यूज में आते हैं, जो भी हम वर्किंग करते हैं सभी हम किसमें करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर. नाउ गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हम इसके बारे में और डीपली पढ़ने वाले हैं. सिमिलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. एंड अगर आपको यहां से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है, देन वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिसमें कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन होने वाला है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन होने वाला है. Okay, if you have any problem, then write down in the comment box. Okay, class, thank you and have a nice day.